मोदी सरकार की नई कैबिनेट का आगाज हुआ। कई नए चेहरे मंत्री पद पर विराजमान हुए। कई मंत्री पदों का फेरबदल भी हुआ, लेकिन इस नई कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद का नाम नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने नई कैबिनेट चुने जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रविशंकर प्रसाद के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार और डीवी सदानंद गौड़ा समेत कुल 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। इस वीडियो में बात रविशंकर प्रसाद की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर और उनके बीच की तकरार की वजह से वे अपने बयान और फैसलों को लेकर कई महीनों से मीडिया में सुर्खियों में थे। ट्विटर और उनके बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे थे। वे एक बयान में कह रहे हैं कि ट्विटर की असल लड़ाई किसके साथ है। ये लड़ाई या ये विषय सुधीर बाबू ट्विटर बनाम मोदी सरकार नहीं है, ये विषय ट्विटर बनाम बीजेपी भी नहीं है, ये विषय ट्विटर बनाम उनके पीड़ित उपयोग करने वालों के लिए आवाज का है। कई ट्विटर यूजर्स ने रविशंकर प्रसाद को काफी ट्रोल किया। यकुल देव ने एक फोटो शेयर की और लिखा, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद रिसाइंड, ट्विटर हेडक्वार्टर्स। ट्विटर यूजर हंसराज मीणा ने लिखा, क्या ट्विटर रविशंकर प्रसाद पर भारी पड़ गया। ट्विटर यूजर डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा, रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते मांगते खुद इस्तीफा दे बैठे। ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे विवाद में रविशंकर प्रसाद की सूचना एवं प्रसारण मंत्री होने के नाते भूमिका अधिक रही। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली लाल किले पर पहुंची। उस दौरान ट्विटर पर भड़काऊ कंटेंट शेयर किया गया। 31 जनवरी को केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ अकाउंट्स पर कार्रवाई करने को कहा। ट्विटर ने कुछ अकाउंट सस्पेंड किए। सरकार ने ट्विटर को अकाउंट्स की सूची सौंपी जो भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल थे। इस बार भी ट्विटर ने महज कुछ हैंडल्स को ब्लॉक किया। इसके अलावा सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए थे। सभी कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, जिसकी जानकारी रविशंकर प्रसाद ने दी थी। आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडिएट विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। 25 मई तक इन नियमों को लागू करने के लिए दिए गए 3 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन ट्विटर ने नियम लागू नहीं किए। कंपनी ने इनमें से कुछ नियमों को निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। इसके बाद से ही ट्विटर को सरकार बार बार चेतावनी देती रही। ट्विटर की ओर से उपराष्ट्रपति और कुछ राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया, लेकिन बाद में वे वापस आ गया था। रविशंकर प्रसाद ने कई चैनलों को इंटरव्यू भी दिया जिसमें ट्विटर को चेतावनी देते नजर आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान हमें ट्विटर से नहीं प्राप्त किया है, वो एक प्रॉफिट की कंपनी है, भारत में पैसे लगाए पैसे कमाए, मुझे कुछ नहीं कहना, ये उनका अधिकार है और आलोचना भी करे, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं दे। इन्होंने एक फैक्ट चेकर नाम की चीज बना रखी है जी, और ये बहस मैं आपके चैनल पर आपके सामने उसको प्रवोक कर रहा हूं कि हमारे फैक्ट चेकर ने कहा ये सही है या गलत है। भारत देश 130 करोड़ का है, ये फैक्ट चेकर आपके हैं कौन, मैं आपसे कहूंगा एक बार थोड़ा, आप भी क्योंकि बहुत गहन शोध करते हैं आप और आपकी टीम, अभिनंदन आपका। फैक्ट चेकर कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके अपॉइंट करने की क्या प्रक्रिया है, कुछ नहीं पता है। कि 25 फरवरी को हमने नई गाइडलाइन बनाई जिसके अंतर्गत आपको एक शिकायत के निवारण के लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर बनाना था। ये 26 मई को समाप्त हो गया, 25 मई को इसके बाकी लोगों ने पालन कर लिया, इनको अपॉइंट कर दिया। अब हमने ट्विटर को एक लास्ट मौका दिया गुडविल जेस्चर के रूप में कि आप पालन करें। रूल 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत इसका असर होगा, जो आपने बताया एग्जम्पशन की बात। मीडिया भी ट्विटर की ही आलोचना करने लगा, मीडिया सवाल भी ट्विटर से पूछने लगा।
ट्विटर इस बार सरकार की बात न मानने को लेकर फंस गया है। लगातार जिसने ट्वीट किया वो कथित बुद्धिजीवी ब्लू टिक वाले हैं, यानी कि वो लोग सूट बूट वाले, लगातार एक्टिव लोग, वो लोग जो कि एक समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं। ट्विटर की दंगा कंपनी का टाइम ओवर। स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायरेक्टर ने ठीक से काम नहीं किया। जो फेक न्यूज फैलाएंगे ऐसे लोग जेल कब जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि ट्विटर बहुत जल्दी मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देता है ना। और सिर्फ इन्होंने नहीं, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट है जी। जो वो व्यक्ति है जिसको मारा उसका रीजन कुछ और, ट्विटर पे क्या आया वो कोई और वीडियो, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड हुई वो कोई और वीडियो, और बीच में आ गया जय श्री राम। आग लगाओ, दंगा भड़काओ, डिलीट करो, भाग जाओ। ब्लू टिक वाली फेक न्यूज फैक्ट्री का आखिरकार हेड कौन है? ट्विटर के साथ सरकार का विवाद उस वक्त बढ़ा जब भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक टूल किट शेयर की जिसे कांग्रेस का बताया गया, लेकिन ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया टैग कर दिया। हाल ही में रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ट्विटर ने एक घंटे के लिए बंद किया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने KO यानी कि कु ऐप के जरिए जानकारी दी और ट्विटर की आलोचना की। इसके अलावा गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का एक वीडियो सामने आया जिसे ट्विटर पर शेयर किया गया। इस विवाद के चलते भी ट्विटर पर FIR दर्ज हुई। इसके बाद ट्विटर पर उनके प्लेटफॉर्म में मौजूद भारत के निक्षेप से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बाहर दिखाने को लेकर भी कार्रवाई हुई। बाद में ट्विटर ने इस मैप को हटा लिया। ट्विटर और सरकार के बीच विवाद अभी भी जारी है। खैर, अब रविशंकर प्रसाद मोदी की नई कैबिनेट से बाहर हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सरकार और ट्विटर के बीच ये विवाद अभी कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।